दोस्तों दोस्तों, आज की जो मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ वो एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग और पवन सिंह के फ़ैन एंड खेसारी लाल यादव के फ़ैन दोस्तों सुनकर खुश हो जाएंगे और कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। सो खबर जानने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि सारी लाल यादव एंड पवन सिंह यादव का जो विवाद है वो काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट अब इनमें दोनों में एक समझौता हो गया है। अब वो दुश्मन नहीं रहे हैं, पर फिर भी दोस्तों ये देखा गया है, जहां दोस्तों सॉन्ग खेसारी लाल यादव का था उसके साथ पवन सिंह भी अपना सॉन्ग रिलीज़ करते हैं। ये तो रही बात इन दो सॉन्ग के बारे में। अब बात करते हैं हम खेसारी लाल यादव की मूवी संघर्ष 2 की और दोस्तों पवन सिंह की हर हर गंगे। सो ये कब तक आ जाएंगी? सो दोस्तों, जैसा कि पता ही आपको कि खेसारी लाल यादव की मूवी संघर्ष 2 आपको पहले बताया था ना, रिलीज़ होने वाली है 25 अगस्त को, यानी कि 25 अगस्त को ये रिलीज़ होनी थी। तो पहले तो ये कह रहे थे कि 15 अगस्त को शायद करेंगे रिलीज़, तो आज़ादी के इंडिपेंडेंस डे पर, बट उन्होंने डेट करके 25 अगस्त रख दी। फिर दोस्तों उन्होंने देखा कि गदर 2 का तो हाइप इतना ज़्यादा है कि गदर 2 रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर गाइस हुआ क्या, इन्होंने डेट बदल कर सीधे सीधे 20 अक्टूबर 2023, यानी कि 20 अक्टूबर की डेट रख दी है। अब फंडा ये होता है कि 20 अक्टूबर को मूवी आने वाली है हर हर गंगे, जबकि पवन सिंह ने ये डेट अनाउंस पहले की थी कि हर हर गंगे मूवी में 20 अक्टूबर यानी कि दुर्गा पूजन वाले दिन एक लंबी छुट्टी है तो लेकर आऊँगा। तो अब खेसारी लाल यादव टपक पड़े हैं इसके बीच में, तो ये दोस्तों होने वाला है एक दोनों का क्लैश फिर से, जो इनके कट्टर फैन है फिर से विवादों में घिरेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि इनके विवाद तो चलते ही रहते हैं और चलते भी ऐसे हैं कि पूछिए मत। सो गैस, चाहे वो इनका अब आने वाले टाइम में 20 अक्टूबर को इन दोनों मूवीज़ का होने जा रहा है क्लैश, चाहे अब होगा क्लेश या क्लैश, ये तो आपको पता ही है कि ज़बरदस्त होने वाला है। और अब इनको क्या अब दोनों मूवीज़ को फ़ायदा मिलेगा या होगा नुकसान, तो यही दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें किसकी होगी हार और किसकी होगी जीत और किसका होगा नुकसान। सो दोस्तों, जहाँ तक मैंने देखा है ना, जब जब इनके सॉन्ग आए हैं, चाहे कोई भी सॉन्ग, चाहे खेसारी लाल यादव का हो या पवन सिंह का, दोनों के कंपैरिजन में दोनों के सॉन्ग हिट हुए हैं। ना वो किसी से कम है ना वो किसी से कम है, दोनों सॉन्गों को प्यार मिलता है और अच्छी खासी TRP भी बटोरते हैं। और रही बात इन मूवी की, और मेरे हिसाब से दोनों को क्लैश करने में बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो जिस जिसका फ़ैन है वो बढ़कर प्रमोशन करेंगे, बढ़ चढ़ा कर वो कहेंगे कि नहीं यार, हमारे इस फैन की मूवी ने उससे ज़्यादा कमाया है, क्या पता दूसरे दिन वो उससे ज़्यादा कमा ले, क्योंकि अप डाउन तो होता रहता है, जो कलेक्शन होता है अप डाउन होता रहता है। सो ऐसे में दोस्तों फ़ायदा दोनों को मिलेगा। हालांकि खेसारी लाल पवन सिंह के तरफ से कोई पूरी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है कि वो मूवीज़ अब दोस्तों 20 अक्टूबर को ही ला रहे हैं या आगे पीछे करेंगे, बट जो पहले उन्होंने डेट दी थी 20 अक्टूबर, तो 20 अक्टूबर को ला रहे हैं खेसारी लाल यादव, तो आपने जैसा स्क्रीन पर देख ही लिया होगा। सो एंड गाइस, मैं यही चाहता हूँ कि इन दोनों का एक बार तकड़ा क्लैश होना चाहिए, क्योंकि जो दोनों मूवीज़ है वो बड़े बजट की है और काफ़ी धांसू मूवीज़ लग रही है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि भोजपुरी मूवी को सिनेमा दोस्तों स्क्रीन कम मिलते हैं बाकी पूरे इंडिया में, जैसा आपको पता ही है कि अभी तो चलो गदर 2 और OMG 2 चल रही है, अब ड्रीम गर्ल 2 भी चल रही है, तो तब करके थोड़ा इनको लॉस भी उठाना सकता है, बट दुर्गा पूजन में कोई और मूवी ना साथ में क्लैश करने को। बट इनके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इन दोनों एक्टरों में से कौन सी किसकी मूवी ज़्यादा बाजी मारेगी, ये आप पर मैं दोस्तों छोड़ता हूं, क्योंकि ऐसी और कवरेज लाने के लिए आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा कि किस भोजपुरी ट्रेलर पर गाने पर रिएक्शन करना है या रिव्यू लेकर आए, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।